हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 35 बाई 55। 35 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 55 फीट प्लॉट की लंबाई है। वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 55 फीट। 55 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 35 बाई 55 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हुआ। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, मतलब कि जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक ही साइड से खुल रहा है और वो है पश्चिम दिशा, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, तीनों साइड से पैकिंग है। तो चलिए दोस्तों इसकी पश्चिम दिशा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है 11 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तब एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट ऐसे और 17 फीट 3 इंच ऐसे लंबाई के अंदर। यहाँ पर आपकी कार वगैरह पार्क हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, हम जैसे दो स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास लैंडिंग बना हुआ और लैंडिंग के इस तरफ हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का ये वाला लैंडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेयर केस हो गया, जो कि हमने घर के बाहर से दे रखा है। आप चाहो तो फर्स्ट फ्लोर वगैरह रेंट के अकॉर्डिंग ही बना सकते हो, आप ऊपर का आप किराए पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्किंग एरिया, जिसके हमारे पास साइज हो गई 12 फीट ऐसे और 17 फीट 3 इंच ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम जैसे दो स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इसको हम जैसे खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट ऐसे और 14 फीट 4.5 इंच ऐसे। यहाँ पर आपकी इस दीवार से लेके इस दीवार तक आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे और यहाँ पर बीच में टेबल वगैरह हो जाएगी, तो यहाँ पर आप अपने मेहमान वगैरह को बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये 12 फीट ऐसे और 14 फीट 4.5 इंच ऐसे, ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। अब मेन डोर के जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11.5 फीट बाई 13 फीट। 11.5 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5.5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। अब इस बेडरूम से आप इस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5.5 फीट 5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे, हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर हमने OTS छोटा का, जिसके हमारे पास साइज है 5.5 फीट 4.5 फीट 7.5 इंच 5 फीट ऐसे और 4 फीट 7.5 इंच ऐसे, इसके अंदर इस हमारा कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन निकल रहा है। और जो लिविंग एरिया, इसका वेंटिलेशन भी OTS के अंदर निकल रहा है, ताकि आप इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा सकते हो, ताकि लिविंग एरिया आपका गर्म ना रहे, ठीक है। अब चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 13 12 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, हमारा बेडरूम हुआ। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम को वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 बाई 13 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, हमारा बेडरूम हुआ, जिसकी एक बड़ी 6 फीट की विंडो यहाँ पर पीछे निकल रही है हमारी। पूर्व दिशा के अंदर हमने गार्डन छोड़ रखा है, जो मैं अभी आपको पूरा डिटेल के अंदर देता हूँ। इसके अंदर हमारी इस बेडरूम की 6 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो इसके जैसे सामने यहाँ पर देखिए हमारा घर के पूजा रूम बना हुआ, जिसके हमारे पास साइज है 6 फीट ऐसे और 5 फीट 3 इंच ऐसे। 6 बाई 5 फीट 3 इंच का हमारे पास पूजा रूम है और उसका 3 फीट का दरवाजा, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रहा है। पूजा रूम के जस्ट पास में यहाँ पर देखिए हमारे पास आर्च बना हुआ, यहाँ पर कोई दरवाजा वगैरह नहीं है। यहाँ से आप एंटर होते तो यहाँ पर हमारा ओपन किचन बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट ऐसे और 17 फीट ऐसे, जो कि हमारा ओपन किचन और विथ डाइनिंग एरिया दोनों शामिल है, ठीक है। 13 फीट ऐसे चौड़ाई के अंदर है और 17 फीट लंबाई के अंदर है, तो यहाँ पर आपका किचन वगैरह बन जाएगा और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगी, ठीक है। और पीछे हमने इससे ओपन किचन की जो 4 फीट की विंडो, यहाँ पर पीछे हमने 5 फीट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमने यूटिलिटी के लिए जगह छोड़ रखी है, ताकि इसके अंदर किचन के अंदर विंडो वेंटिलेशन वगैरह बना रहे, ठीक है। और इसके अंदर जाने के लिए हमने किचन से 3 फीट का दरवाजा दे रखा है और यहाँ पर आप इस यूटिलिटी को, इस जगह को आप वॉश एरिया के अंदर भी काम में ले सकते हो, 5 फीट चौड़ाई के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास गार्डन है पीछे, जिसकी हमारे पास साइज है 11 बाई 13 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, ये हमारा गार्डन हो गया, ताकि आप शाम को यहाँ पर भी बैठ सकते हो या सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर गार्डन के अंदर जाने के लिए आपको किचन से होते हुए जाना होगा। हमने इस बेडरूम से यहाँ पर कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं दिया, क्योंकि ये बेडरूम अगर किसी का पर्सनल है तो, और कोई दूसरा अगर जाना चाहता गार्डन के अंदर तो नहीं जा पाएगा, इसलिए हमने ओपन किचन से यहाँ पर 3 फीट का दरवाज़ा दे रखा है, ताकि किचन से कोई भी घर का सदस्य जाके गार्डन के अंदर बैठ सकता है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पश्चिम दिशा हो गई, 11 फीट का मेन गेट हो गया, ये पार्किंग हो गया, पार्किंग इस तरफ स्टेयरकेस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया घर का मुख्य दरवाजा और यहाँ पर फिर हमारा लिविंग एरिया, ये कॉमन टॉयलेट और इसके पीछे OTS, ये बेडरूम और इस बेडरूम का यहाँ पे अटैच टॉयलेट हो गया। फिर ये बेडरूम हो गया, ये हमारा ओपन किचन और डाइनिंग एरिया हो गया, ये बेडरूम, यहाँ पे पूजा रूम, यहाँ पे पीछे यूटिलिटी और वॉश एरिया हो गया और यहाँ पर हो गया गार्डन।
तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो 35x55 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया है। इसके अंदर मैंने 3 बेडरूम डिजाइन किए हैं, एक बेडरूम का अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है और एक गार्डन भी दे रखा है और कार पार्किंग, पूजा रूम और वेंटिलेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका घर के अंदर रोशनी वगैरह आराम से रहेगी। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन थी उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।